बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये कूलर देखिए, गैलेक्सी मॉडल, ये देखिए गैलेक्सी प्लस टावर कूलर है, मिनी टावर कूलर, और ये रुक रुक करके चल रहा है। इसी को रिपेयर करने के लिए आया है, तो ये अभी रिपेयर करने वाले हैं, बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए ये टावर कूलर है, इसके अंदर ये मोटर है, ये मोटर लगी हुई है हाई स्पीड की, और अब इसमें हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए प्लग को हमने इंसर्ट किया और अब इसको ऑन कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है, देखिए जो पंप है वो भी चल रहा है, स्विंग भी चल रहा है, और इसको देखते हैं। ये देखिए इस यहाँ ऐसे हमने हाई पे किया तो कुछ भी नहीं चला, उसके बाद मीडियम पे कर रहे हैं और इसको ये देखिए लो पे किया, ये देखिए चल रहा है, फुल स्पीड में चल रहा है, अभी जो लो का स्पीड है उतना चल रहा है। और एक तरफ ये देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया और यहाँ पे नहीं चल रहा है कुछ भी, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है, बस एक तरफ चल रहा है। ये देखिए आवाज़ आ रही है, एक तरफ चालू है ये, तो अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जो साइड का पल्ला है इसे हम खोल लेंगे, दो पेंच लेकर के, आप दो पेंच इसको ड्राइवर लेकर के दो पेंच खोल लेंगे ये, और खोल के इसको पुश करके बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे पेंच लगा होता है, जैसा आप देख सकते हैं ये एक पेंच यहाँ पे है, मैंने खोल दिया है, और एक परली तरफ है वो भी मैंने खोल दिया है ताकि टाइम बच जाए। और इसको अब ऊपर कवर को हम ऊपर इसमें से निकाल लेते हैं, तो ये देखिए इस यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लगा करके पहले इधर से ऐसे उठाएँगे, और फिर ये हुक यहाँ फंसे होते हैं, इसको आराम से निकाल लेंगे। लेकिन चूंकि इसके अंदर ये देखिए तार छोटी है तो ये पूरा नहीं उठ पा रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए ये उठाने में जो तार चूंकि छोटी है तो ये पूरा खुल नहीं पाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको निकाल देंगे, इसको ऐसे खींच के निकाल देंगे, अगर ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा पेचकस से हटा देंगे। उसके बाद इस दो पेंचों को हम रिमूव कर देंगे, ये देखिए ये दो पेंच जो हैं इसको खोला, और ये देखिए जो स्विच है रोटरी स्विच वो नीचे चला गया। अब हम इसको देखिए हल्का सा ऐसे कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा जगह मिल जाए। अब देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है। अब देखिए इसको कैमरे को मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब आप देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखिए तार जली पड़ी है इसकी, दो स्विचों में, दो पॉइंटों में, देखिए यहाँ भी जल गई है और ये भी जल गई है, यहाँ आप देख सकते हैं ये भी तार जल गई है, जिसकी वजह से दो पॉइंटों पे काम नहीं कर रहा है ये कूलर, और एक पॉइंट पे जहाँ पे तार जुड़ी हुई है यहाँ पे काम कर रहा है। तो हम इस तरह से इस तार को यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे और फिर अभी आपको चला करके हम दिखा देते हैं। दोस्तों अक्सर होता क्या है, ये जो करंट वाली ही जो स्विच है इसी पर, क्योंकि चूँकि इस पर मोटर चलती है तो लोड पड़ता रहता है, और यहाँ पे ये तार कई बार हल्की सी लूज़ रहती है या हो जाती है चलते में, तो यहाँ से अक्सर कूलरों का, प्लास्टिक कूलरों का यही प्रॉब्लम आती है, या तो ये तार जल जाएगी या ये स्विच ख़राब हो जाएगी। तो स्विच को फ़ौरन बदल दें अगर ख़राब है तो, और अगर तार ख़राब है तो तार को कट करके जॉइंट अच्छी तरह लगा दें, फिर यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमने एक तार का टुकड़ा लिया और इसको दो टुकड़े करके एक यहाँ जोड़ देते हैं एक यहाँ जोड़ देते हैं, और चूंकि ये मोटर में, ये सिंगल स्पीड की मोटर है तो मोटर में ये वायर जा रही है तो यहाँ से करंट जा रहा है। अगर वही थ्री स्पीड की मोटर होती तो ये तीनों में जोड़ना पड़ता है, अब चूंकि ये सिंगल स्पीड की मोटर है तो कहीं भी काम करेगी, तो इसलिए हम यहाँ और यहाँ जोड़ देते हैं। दोस्तों इससे पहले हम एक बार स्विच को भी चेक कर लेते हैं, शायद मुझे लग रहा है स्विच भी ख़राब है, ये रोटरी स्विच, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा निकला उभरा हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है या फूला हुआ है, अभी चेक करते हैं कि ये काम कर रही है स्विच या नहीं कर रही है। देखिए दोस्तों हमेशा मैं बताता हूँ, जिस पॉइंट पर कट हल्की सी यहाँ कट लगी हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कट लगी है, तो ये इनपुट होता है, और जिसमें जिन तीन पॉइंटों में कट नहीं होती है वो आउटपुट होता है। तो अब देखिए इनपुट पे हम ये सीरीज का तार ले लिए हैं, इनपुट पे करंट दे रहे हैं, तो आउटपुट पे ये देखिए यहाँ पे चिंगारी दे रहा है, ये पॉइंट ठीक है। अब दूसरा पॉइंट चेक करने के लिए हम इसको ऐसे घुमाएंगे,
एक मिनट, देखिए दूसरा पॉइंट को ऐसे घुमाया, ये ऐसे घुमाया, अब फिर इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये इनपुट पे हमने एक सीरीज का करंट दिया और आउटपुट पे एक दिया। ये देखिए यहाँ भी चालू है, इसका मतलब ये ठीक है लाइन। अब हम तीसरी पॉइंट को चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर घुमा दिया मैंने, अब देखते हैं फिर यहाँ से ये इनपुट पे लिया और ये आउटपुट पे, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आउटपुट पे लिया और यहाँ देखिए, ये देखिए चिंगारी इस पर भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी काम कर रहा है, ये भी यानी तीनों पॉइंट ठीक है, स्विच ठीक है। अब ये देखिए, ये दो तार के टुकड़े हमने लिए और इन तार के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। ये देखिए आपस में जोड़ दिया और जोड़ करके इस स्विच के इस वाले पॉइंट पे हम लगा दे रहे हैं। एक मिनट, ये देखिए इस वाले पॉइंट पे हमने लगा दिया, यहाँ से इंजर्ट कर दिया और ये देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरह इसको, ये देखिए अच्छी तरह इसको ये टाइट कर दिए, ठीक है। अब इसमें से एक तार का टुकड़ा हम इधर लगा देंगे, एक तार का टुकड़ा इधर लगा देंगे। ये देखिए ये लिया और इसको इसके अंदर से इंजर्ट कर दिया। ये देखिए इसको ऐसे ही हमने ऐसे खूब अच्छी तरह से टाइट कर देने हैं। ये देखिए ये टाइट कर दिया, ये देखिए ये टाइट हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी हम ऐसे ही लेते हैं, ये देखिए इसको इसको हमने यहाँ इंजर्ट किया और इसको ऐसे घुमाया, ये देखिए ये अच्छी तरह टाइट हो गया, ये देखिए अच्छी तरह टाइट हो गया। अब इसको हम इसके अंदर फिट कर लेते हैं और यहाँ टाइट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ टाइट कर लेते हैं, ये देखिए इसको स्विच को ये नीचे से लिया और ले करके ये पेंच लगा दिया और फिर ये पेंच लगा करके टाइट कर दिया। ये देखिए ये टाइट हो गया, ये टाइट हो गया। अब इसका नॉब हम इसमें फिक्स कर देते हैं, ये देखिए ये फिक्स हो गया। अब चालू करके हम देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। दोस्तों ये देखिए प्लग हमने इंसर्ट कर दिया, अब इसको ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए अभी यहाँ पे ऑफ हो गया ये, अब देखिए ऑफ हो गया। अब इसको हम, ये देखिए चल पड़ी मोटर, आवाज़ आ रही है यहाँ से, देखिए ये चल पड़ी, ठीक है। और दूसरा अब हम इसको मीडियम पे कर दिया, मीडियम पे भी चालू है क्योंकि सिंगल स्पीड है, ये तीनों तरफ एक जैसे चलेगा। देखिए इसमें भी चल रहा है, तीनों पॉइंट पे चल रहा है। तो माशाल्लाह ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।